पर बैठे कर्मी। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में भी आयु सीमा में छूट मिलेगी। तो प्रदेश में 455 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में एक साल की छूट मिलेगी। समूह क के पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट का आदेश जारी किया गया है। प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं दिया जा रहा था। इस पर राज्य उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र जुगरान ने सचिव कार्मिक अरविंद सिंह यांकी से मिलकर उन्हें स्थिति से अवगत कराया था, जिसके बाद सचिव कार्मिक की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि उत्तरांचल लोक सेवा भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण नियमावली 2003 के नियम 3 से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीधी भर्ती के समूह क के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट प्रदान किए जाने की मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसमें डीएलएड प्रवेश परीक्षा जो कि 2019-20 में जो सफल अभ्यर्थी हुए थे, तो उनकी एक सूची यहां पर एससीईआरटी और यूपीएससी साथ ही स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। तो जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक प्रवेश नहीं लिया है उनके लिए एक आखिरी मौका दिया जाता है। तो ऐसे में वे अभ्यर्थी 16 जनवरी तक प्रवेश पत्र लेना सुनिश्चित करें। 16 जनवरी के बाद अगर प्रवेश कोई नहीं लेता है तो उनके जो सीट है उनको रिक्त माना जाएगा और उसके बाद वेटिंग लिस्ट निकाल करके इन सीटों को भरा जाएगा। जल्द जारी हो एलटी प्रवक्ता की नई विज्ञप्ति। तो प्रसिद्ध बेरोजगारों ने सहायक शिक्षक एलटी व प्रवक्ता के पदों के लिए नई विज्ञप्ति जारी करने की मांग की है। शुक्रवार को टीटी उत्तीर्ण प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। संघ के अध्यक्ष ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश सरकार माध्यमिक विद्यालय में 2200 सहायक अध्यापकों का प्रमोशन करने जा रही है, जिसके बाद भी काफ़ी संख्या में पद रिक्त हैं, लिहाजा काफ़ी लंबे समय से बीएड यूटीटी को प्रशिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थी एलटी व प्रवक्ता की नई विज्ञप्ति की मांग कर रहे हैं। प्रशिक्षित बेरोजगारों ने एक स्वर में कहा कि प्रदेश सरकार चुनाव आचार संहिता से पहले लंबित चल रही शिक्षकों की भर्ती का शासनादेश जारी करे, ताकि 30,000 से अधिक बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का अवसर मिल सके। प्राथमिक शिक्षक भर्ती पौड़ी गढ़वाल को लेकर के एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 27 दिसंबर को होनी थी, लेकिन 27 दिसंबर को कुछ अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हो पाए। ऐसे में उनको एक और अवसर दिया जाता है और उनकी जो लिस्ट है वो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है और उन्हें जो है 11 जनवरी 2022 को प्रातः 11 बजे जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय पौड़ी गढ़वाल में उपस्थित होना होगा। प्री बोर्ड परीक्षाएं 27 जनवरी से। तो हरिद्वार के राजकीय व अशासकीय हाई स्कूल इंटर कॉलेजों में प्री बोर्ड परीक्षाएं 27 जनवरी से 8 फरवरी के बीच संपन्न कराई जाएंगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर व प्रोजेक्ट एसोसिएट के पद, तो 19 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए 18 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड सिविल जज परीक्षा 2021, तो UKPSC के द्वारा 13 पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके लिए 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। प्रतिभाशाली प्रोफेशनल्स की जरूरत, 149 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए 25 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट आधारित पदों पर आवेदन आमंत्रित, तो 15 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए 30 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं।